स्वागतम सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम नवमी कक्षा की जो शेमोशी पुस्तक है उसका पंचम पाठ पढ़ रहे थे, सुक्ति मोक्तिकम। सुक्ति मोक्तिकम में हमने कुछ श्लोकों को पढ़ा भी था। अब अपना जो आज का श्लोक है, अगला श्लोक है, उस श्लोक की आपके सामने मैं चर्चा करना चाहूँगा। श्लोक हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। क्या कहा कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मतलब मीठा, वाक्य मतलब वचन, प्रदानेन मतलब बोलने से, प्रदान करने से, मीठा वचन बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति मतलब तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, कौन? जंतव मतलब जंतु अर्थात प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद इसलिए उनसे ही, तदेव वो ही वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए। वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में बोलने में का मतलब कौन सी, क्या दरिद्रता मतलब गरीबी है। श्लोकार देखो कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी। श्लोक समझे आप? क्या समझे कि हमेशा अपने को कैसा वाक्य बोलना है? मीठा वाक्य बोलना है, प्रिय वाक्य बोलना, सामने वाले को भी क्या लगे, अच्छा लगे, सामने वाला अपने वाणी को सुन करके संतुष्ट हो जाता हो। अगर अपन किसी के सामने बातें करते हैं, हमारे वचन सुन करके, हमारे कटु वचन सुन करके अगर सामने वाला पीड़ित हो रहा है तो ऐसे वचनों का अपन को नहीं बोलना चाहिए। तो कवि क्या कह रहा है, आपके पास में अगर प्रिय वाक्य हैं, आपके पास में मीठे वचन हैं तो उनको बोलो आप। उससे होगा क्या, जो सामने वाला जो भी प्राणी है वो आपके उन वचनों से ही संतुष्ट हो जाएगा। गए तो ऐसे वाक्य ही बोलने चाहिए। ऐसे वाक्य बोलने में आप क्यों कंजूसी दिखा रहे हो, आप क्यों गरीबी दिखा रहे हो? बोलने में कोई दरिद्रता गरीबी नहीं रखनी चाहिए। दोबारा देखो श्लोकार, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में कैसी गरीबी, कैसी कंजूसी, कैसी दरिद्रता। अगले श्लोक में आ रहा हूँ मैं। अगला श्लोक है, अगला ये जो श्लोक है ये परोपकारियों पर बनाया है। परोपकारी जो लोग होते हैं, परोपकार करने वाले जो लोग होते हैं, दूसरों का कल्याण हित चाहने वाले जो लोग होते हैं, उनके विषय में बताया है। क्या कहा कि पीबंती नद्ये स्वमेव न अम्बः स्वयं ने खादंती फलानि वृक्षाः ने अदंती सस्यम खलु वारी वाहा परोपकाराय सता विभूतयः। क्या कहा देखो आप कि पीबंती, पीबंती मतलब पीते हैं, नद्ये मतलब नदियाँ, स्वमेव मतलब स्वयं ही, ने मतलब नहीं, अम्भ मतलब जल। जो नदियाँ होती हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, जो नदियाँ होती हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं ने खादंती, स्वयं ही नहीं खाते हैं, फलाने मतलब फलों को, वृक्षः मतलब वृक्ष, वृक्ष होते हैं वो अपने फलों को स्वयं ही नहीं खाते हैं। ऊपर वाली लाइन का अर्थ क्या हुआ, जो नदियाँ होती हैं वो अपना स्वयं पानी नहीं पीती हैं, और जो वृक्ष होते हैं स्वयं ही अपने फल नहीं खाते हैं। ने अदंती, अदंती मतलब खाना, ने मतलब नहीं, नहीं खाते हैं। सस्यम, सस्य कहते हैं फसल को, खलु मतलब निश्चय ही, वारी वाहा, वारी वाह का मतलब क्या होता है, बादल, जो वारी का वहन करे, वारी कहते हैं जल को, वहा मतलब वहन करने वाला, जल का वहन कौन करता है, बादल करता है। क्यों? क्योंकि बादल के अंदर पानी रहता है, तो वारी वाहा का मतलब होता है बादल। बादल होते हैं वो अपने अपने द्वारा जो क्या उगी है, जो फसल आदि उगी है उनको नहीं खाता है, उनसे जो फसल उत्पन्न होती है उनको वो नहीं खाता। परोपकाराय सता विभूते, जो परोपकार होता ना, उस परोपकार के लिए ही क्या हैं, इन सज्जनों की विभूतियाँ हैं। सताम का मतलब क्या होता है, सज्जन लोग, विभूते मतलब संपत्ति, इसका मतलब होता है संपत्ति। परो दूसरों के भले के लिए ही सज्जन पुरुषों की विभूतियाँ अर्थात संपत्तियाँ होती हैं। श्लोक अर्थ मर देवो,
नदी होती है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, नदी के अंदर पानी होता है, तो नदी पानी किसके, नदी किसके लिए बहती है, नदी पानी किसके लिए देती है, जो दूसरे जो जीव हैं, दूसरे जो प्राणी हैं कि वो इस पानी को पिए, वो इस पानी को पिए, इसीलिए नदियाँ क्या देती हैं, जल देती हैं। जल स्वयं के लिए नहीं है, ये भी दूसरों के हित के लिए हैं, दूसरों के कल्याण के लिए हैं। तो दूसरों के लिए नदी ने क्या दिया, पानी दिया, वो स्वयं थोड़ी पीती हैं। और जो वृक्ष होते हैं, ये जो वृक्ष फल देते हैं, वो भी स्वयं थोड़ी खाते हैं, वो भी क्या चाहते हैं कि कोई दूसरा प्राणी आए और इन फलों को खाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फल दिया है वृक्ष ने, ये भी दूसरों का कल्याण करने के लिए दिया है, दूसरों का हित करने के लिए इसने क्या दिया है, फल दिया है। ने अदंती सस्यम, नहीं खाते हैं सस्य मतलब फसल को, खलु वारी वा, और जो वारी वा है बादल हैं, वो उन फसलों को नहीं खाते। जैसे देखो आप, इस पृथ्वी पर जो फसल होती है वो किसके माध्यम से होती है, जल के माध्यम से। और जल कौन वर्षण करता है, जल का बादल वर्षण करते हैं। तब ये बादल ऐसा थोड़ी कहता है कि भाई देखो मैंने पानी दिया है, मैं ऊपर से बरसा हूँ, तभी तो ये फसल हुई है, मेरे बरसने से के फसल हुई, इसका मतलब इन फसलों को तो मैं ही खाऊंगा, दूसरे लोग क्यों खाएंगे। लेकिन जो ये बादल हैं, ये सज्जन हैं, सत हैं, इसीलिए ये क्या चाहता है कि ये जो मेरे पानी के माध्यम से ये जो फसल हुई है, ये दूसरे अन्य प्राणी इसका उपभोग करें। इसलिए बादल है जो पानी देता है और वो अपने द्वारा उगी हुई जो फसल है उस फसल को नहीं खाता है। भाई पूछा ये क्यों नहीं खाते हो तुम, इसलिए नहीं खाते क्योंकि जो सत्ताम होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी जो संपत्ति है, विभूति है, वो किसके लिए होती है, वो परोपकार के लिए होती है। श्लोक समझे आप, श्लोक अर्थ दोबारा एक बार और पूरा अर्थ एक साथ बोल देता हूँ मैं। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना जल अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा उगी हुई फसल को नहीं खाते हैं। क्यों, क्योंकि सज्जन जो लोग होते हैं उनकी संपत्तियाँ लोक कल्याण के लिए ही होती हैं। मेरे हिसाब से आप सब लोग समझ गए होंगे, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने प्रयोजन से उगे हुए फसल को नहीं खाते हैं, क्योंकि सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती हैं वो हमेशा परोपकार के लिए ही होती हैं। श्लोक आप समझ गए होंगे, अगले श्लोक में मैं बढ़ रहा हूँ। अगला श्लोक देखो आप, कि गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे हि सदाः, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरः अगुणैः समः। क्या कहा, गुणेषु एव, गुणों में ही, किन में, गुणों में ही, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, गुणेषु एव मतलब गुणों में ही मतलब निश्चय ही कर्तव्य मतलब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, किनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा, कब करना चाहिए, सदा मतलब हमेशा। तो गुणों को प्राप्त करने के लिए ही पुरुषों के द्वारा हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, गुणों में ही व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयत्न करो, आप यत्न करो, क्या प्राप्त करने के लिए, गुण प्राप्त करने के लिए पुरुषों के द्वारा हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो मतलब गुण से युक्त, गुण से परिपूर्ण है, कौन है, दरिद्रो अपि, जो दरिद्र है, दरिद्र का मतलब होता है जो गरीब व्यक्ति होता है वो, के गुणो युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वर अगुणो समान, उनके समान, न मतलब नहीं, ईश्वर मतलब धनवान, अगर वो धनवान, देखो इसमें संधि क्या है, इसमें संधि ये है, न ईश्वर ईश्वर ही ऊपर अगुण ही, क्या है, अगुण ही, इस विसर्ग का बाद में क्या हो जाता है, रह हो जाता है, समह उनके समान, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होता है वो अगर क्या है, दरिद्र हैं, गरीब हैं, तो उनके सामने कौन नहीं है, उनके सामने जो धनवान, ईश्वर का मतलब यहाँ से आपको क्या लेना है, धनवान व्यक्ति से लेना है, अगर सामने वाला क्या है, धनवान व्यक्ति है, अगर वो गुण से क्या है, हीन है, तो वो भी उसके समान नहीं बन सकता। तो अब देखो यहाँ पर बात आई है महानता की, अगर कोई व्यक्ति गुण युक्त है और गरीब है तो वो भी महान है, किसकी अपेक्षा, धनवान व्यक्ति है, अगर वो अगुण है तो उनके सामने वो क्या है, महान है।
तो अब देखो यहाँ पर महान कौन हुआ, जो गुणों से युक्त हैं वो महान हुआ। अगर वो चाहे वो सामने वाला गरीब हो दरिद्र हो, लेकिन अगर वो गुणों से परिपूर्ण हैं तो हमेशा उससे बड़ा है, हमेशा उससे महान है। किससे? धनवान व्यक्ति से। अगर धनवान व्यक्ति गुणों से हीन है, उसमें गुण नहीं है, तो उन गुणहीन व्यक्ति धनवान से हमेशा गुणवान व्यक्ति क्या होता है? बड़ा होता है, महान होता है, उसके सामने हमेशा ये क्या है? बड़ा है। इसीलिए पुरुषों के द्वारा हमेशा ही किसको सीखने का प्रयास करना चाहिए? गुणों को सीखने का प्रयास करना चाहिए, गुणों में ही उनको प्रयास करना चाहिए। इनको पुरुषों को हमेशा, श्लोक अर्थ दोबारा देखो, पुरुषों के द्वारा हमेशा ही गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति अगर गरीब हैं तो भी वो धनवान व्यक्ति अगुण, जो ऐसा धनवान व्यक्ति जो अगुण है, उसके सामने बड़ा है, श्रेष्ठ है, महान है। श्लोकार समझे आप? व्यक्ति को गुणवान, व्यक्तियों को गुणों के विषय में ही प्रयत्न करना चाहिए हमेशा, क्योंकि गुणवान व्यक्ति होता है, अगर वो गरीब हैं फिर भी अगुण युक्त जो धनवान व्यक्ति हैं उसके सामने हमेशा ही वो क्या है? बड़ा है, महान है, श्रेष्ठ है। ये श्लोक बहुत ही बढ़िया श्लोक है। इस श्लोक को समझो आप, क्या श्लोक है कि आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति पश्चात दिनस्य पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना छाया छायेव मैत्री खल सज्जनाना। क्या कहा इसने? इसने ये कहा है भाई, इसने कहा है आरंभ गुर्वी, आरंभ मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में, गुर्वी मतलब लंबी, गुर्वी मतलब लंबी, क्षयणी का मतलब होता है कम होना, क्रमेण मतलब धीरे धीरे, प्रारंभ में तो लंबी और फिर धीरे धीरे क्या होना? कम होना। अब क्या कम हो रही है वो आगे समझोगे आप। लघवी पूरा, पहले तो क्या है? लघवी मतलब छोटी है, वृद्धि मताश्च पश्चात, वृद्धि मतलब बड़ी होती है, कब? पश्चात मतलब बाद में। दिनस्य मतलब दिन की, पूर्वार्ध मतलब 12 बजे से पहले का भाग, पूर्वार्ध जिसे अपन, पूर्वार्ध किसको कहते हैं? जो दोपहर का जो पहले वाला जो भाग होता है ना, उसको पूर्वार्ध कहते हैं, और 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसको अपन परार्ध कहते हैं। तो पूर्वार्ध और परार्ध से भिन्न है कौन है? छाया, उस छाया की तरह, इसकी तरह छाया की तरह मैत्री मतलब मित्रता होती है, किनकी? खल सज्जना नाम, खल कहते हैं जो असज्जन पुरुष होते हैं, जो दुष्ट पुरुष होते हैं उनको खल कहते हैं, और सज्जन का मतलब होता है जो सज्जन पुरुष हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनको कहते हैं सज्जन। हमेशा सज्जनों की और दुष्ट मनुष्यों की मित्रता छाया की तरह होती है, किसकी तरह होती है? छाया। अब कैसी छाया? जो पूर्वार्ध की छाया होती है वो तो होता है कौन? खल पुरुष। और जो परार्ध की छाया होती है वो कौन होता है? सज्जन पुरुष। अब इसमें देखो बहुत बड़ी बात है, आप समझने की कोशिश करना, जो पूर्वार्ध की छाया होती है वो छाया तो किसकी होती है? दुष्ट पुरुष की। पर परार्ध की जो छाया होती है वो किसकी होती है? वो होती है सज्जन पुरुष की। अब आप कहोगे सर ये पूर्वार्ध की छाया और परार्ध की छाया में फ़र्क क्या है? ये जो ऊपर वाली दो लाइनें दे रखी हैं वो ही सब कुछ बयां कर रही है। क्या? पहले वाली लाइन को देखो, ये पहली वाली लाइन है ये पूर्वार्ध की है और दुष्टों की है, दूसरी वाली लाइन है सज्जनों की है, परार्ध की है और सज्जनों की है। तो पहले तो क्या कहा? आरंभ गुर्वी। ये देखो आप, ये अगर 12 बजे समय से पहले आप समझते हो ना, तब मान लो ये दिन की जो छाया है, अगर आप छाया समझते हो, मान लो ये पेड़ आदि आपको कोई भी ले लो, तो आरंभ गुर्वी, तो इसकी आप देखना इसकी जो छाया होगी आरंभ में तो बहुत दूर दूर तक जाएगी, जब सूर्य उदय होता है तब आप देखना इसकी जो छाया होती है ना खूब लंबी होती है, खूब टाइम तक, लेकिन क्षयणी क्रमेण धीरे धीरे वो क्षयण होती है, कम होती है। जैसे सूर्य यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये छाया धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी प्रकार जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता भी यही होती है, पहले तो खूब आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपके साथ ये वो फालतू की बातें करेंगे, लेकिन धीरे 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 वो मित्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये दुष्ट पुरुषों की मित्रता क्या होती है? ये होती है दिन के पूर्वार्ध भाग की तरह होती है। क्या? जिस प्रकार पूर्वार्ध भाग में जो छाया होती है जो हमेशा लंबी होती हैं और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, इसी की तरह दुष्ट पुरुषों की मित्रता होती है। तो पूछा सज्जनों की कैसी होती है? सज्जनों की मित्रता होती है, जैसे मान लो अभी 12 बजे हैं, 12 बजे के समय ये पेड़ हैं, इस पेड़ की जो छाया है वो मान लो
यहाँ तक ही आई हुई, यहाँ तक ही है। तब ये क्या कहा, लग भी पूरा पूरा मतलब पहले पहले तो बहुत ही छोटी होगी यहाँ, इसकी जो छाया है ना वो पहले तो इतनी यहाँ तक ही होगी। वृद्धि मताश्च पश्चात, और वृद्धि मता मतलब बाद में कैसी हो जाएगी, वृद्धि मतलब बड़ी हो जाएगी बाद में। ये छाया ना जैसे सूर्य ऐसा अस्त होता जाएगा तो इसकी जो छाया है वो हमेशा ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष की मित्रता भी इसकी तरह होती है। जो दिन का होता है ना दिन, ये दिन का जो परार्ध भाग होता है, बाद वाला भाग होता है, इस बाद वाले भाग की तरह किसकी मित्रता होती है, सज्जनों की मित्रता होती है। कैसे समझे आप, जिस प्रकार दिन ढलने का समय आता है तब वृक्षों आदि की जो छाया होती है वो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य नीचे जाएगा तो उनकी जो छाया होती है वो बढ़ती ही जाएगी। तो पहले तो कम होगी लेकिन बाद में आगे आगे बढ़ती ही जाएगी। उसी प्रकार सज्जन पुरुषों की भी मित्रता होती है, जो पहले तो क्या होगी बहुत ही कम होगी, लेकिन आने वाले समय में धीरे 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 वो मित्रता है जो आगे बढ़ती जाएगी। तो ये तो हुआ परार्थ भाग। लेकिन जो दुष्ट पुरुष होते हैं, दुष्ट पुरुष की मित्रता किसकी तरह होती है, पूर्वार्थ की तरह होती है, जो पहले तो खूब बड़ी होगी लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से पहले ही आप देखोगे तो छाया होती है वृक्षों आदि खूब लंबी लंबी होती हैं, लेकिन धीरे 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 वही छाया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसने दुष्ट और सज्जन पुरुष की जो मित्रता है वो किसके समान मानी है, वो छाया के समान मानी, छाया एव, किसके समान है, छाया एव। अब मैं आपको श्लोक का पूरा अर्थ दे देता हूँ कि दुष्ट पुरुष की मित्रता पूर्वार्थ की तरह, पूर्वार्थ की छाया की तरह होती हैं, जो प्रारंभ में तो लंबी होती हैं लेकिन धीरे धीरे क्रम से वो कम हो चली जाती है। और सज्जन पुरुष की जो मित्रता होती हैं वो परार्थ छाया की तरह होती हैं, जो प्रारंभ में तो कम होती हैं लेकिन धीरे 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 पश्चात तक वो कैसी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार सज्जन और दुष्टों की मित्रता के विषय में इस श्लोक में हमको बताया है, सज्जन और दुष्ट विषय में। अगले श्लोक की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।